नमस्कार बागवान भाइयों, बागवान भाइयों आपके अपने चैनल रोडू अभी अभी में बहुत बहुत स्वागत। बागवान भाइयों, आज हम इस वीडियो में कलर स्प्रे के बारे में बात करेंगे। कलर स्प्रे एक मेन मुद्दा रहता है, जब तक आपके फ्रूट में कलर अच्छा नहीं होगा, उसके कलर की अच्छी गुणवत्ता नहीं होगी, तब तक आपको अच्छे रेट नहीं मिल पाते। इस वीडियो में हम कलर स्प्रे के बारे में ही बात करेंगे कि कलर स्प्रे के द्वारा आप किस तरह से फ्रूट की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस बारी ना ही तो अच्छा कलर अभी तक बन पाया है, ना ही फ्रूट साइज, इसके जिसके कारण इस बारी 15 से 20 दिन, कम से कम 15 से 20 दिन हमारा जो हार्वेस्टिंग है वो लेट है। बागवान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा ना समय लेते आइए वीडियो शुरू करते हैं। बागवान भाइयों, साइज़ बढ़ाने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण घटक सामने आते हैं जिसके कारण साइज नहीं बढ़ पाता। पहला जो साइज़ बढ़ने के लिए प्रमुख घटक होता है वो होता है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का अच्छी तरह से विकास ना होना ही साइज़ के कारण बनता है, जिससे हमारा फ्रूट का साइज नहीं बन पाता। दूसरा होता है धूप का अंदर तक नहीं आना। अगर सही ढंग से धूप अंदर तक नहीं आती है तो हमारा साइज नहीं बन पाता है, जिसके लिए हमें अच्छी तरह से समर प्रूनिंग भी करनी चाहिए ताकि अंदर तक धूप आ सके और हमारा फ्रूट का साइज बन सके और अच्छा कलर बन सके। बागवान भाइयों, ये रही साइज बढ़ने की बात। इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है वो है कलर। कलर के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प खुले हैं, जिसमें सॉयल एप्लीकेशन और फॉलियर एप्लीकेशन हमारे पास दो प्रमुख जो मेन बिंदु है उसके बारे में हम बात करेंगे। सॉयल एप्लीकेशन के द्वारा बागवान भाई पोटेशियम नाइट्रेट को पौधे में सॉयल के द्वारा फर्टिलाइजर के रूप में दे सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास एक तो ह्यूमिड कंडीशन अच्छा होना चाहिए, दूसरी मिट्टी में नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। बागवान भाई, अगर आपके पास ये दोनों क्राइटेरिया है तो आप सॉयल एप्लीकेशन के द्वारा पोटेशियम नाइट्रेट को सॉयल में मिला कर दे सकते हैं, जिसको जड़ें ऑब्जर्व करती है और जड़ें ही उसके बाद उसे तने तक और तने और पत्तियों तक पहुँचाती है, जिससे हमारा कलर अच्छा आता है। बागवान भाइयों, अगर आपके पास मिट्टी में नमी नहीं है तो हमारे पास फॉलियर एप्लीकेशन है, जिसमें पत्तियां मेन भूमिका निभाती है। पत्तियां जल्दी से ही जो भी आप स्प्रे करेंगे उनको जल्दी से ऑब्जर्व करती है और जिससे हमारी फ्रूट क्वालिटी में सुधार आता है और पत्तियां के द्वारा फ्रूट तक पहुंचता है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प खुले हैं, जिसमें पहला विकल्प के रूप में हम 13045, जिसमें 13% नाइट्रोजन और 0% फास्फोरस और 45% इसमें पोटाशियम है, जिसे हम पोटाश भी कहते हैं। फॉलियर एप्लीकेशन जल्दी से पत्तियां इसको ऑब्जर्व करती है और फ्रूट तक पहुंचाती है, जिससे हमारा कलर अच्छा आता है और आपका साइज भी बढ़ेगा। जो हमारा सॉयल वाला एप्लीकेशन है उसमें बागवान भाइयों जड़े का जो पहले जो आप सॉइल में देंगे, जो अभी एप्लीकेशन डालेंगे वो उन्हें पहले जड़ें लेगी और बाद में उसे तने तक और तने पत्तियां तक पहुंचाता है और ब्रांचेस तक पहुंचता है। ये थोड़ा प्रोसेस लेट है, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है आप फॉलियर स्प्रे के द्वारा ही भगवान भाइयों 13045 की जो मात्रा रहेगी वो 200 लीटर पानी में 1 kg की रहेगी। 1 kg 13045 200 लीटर पानी में इसका घोल मिलाकर बागवान भाई इसका छिड़काव कर सकते हैं। जो हमारे पास दूसरा विकल्प है उसमें हमारे पास 0050 है, जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा 0% है और जो पोटेशियम की नाइट्रोजन जो पोटाश है उसकी मात्रा 50% है। इसकी आप दूसरी जो स्प्रे है वो आप कर सकते हैं। इन सभी में जो गैप रहेगा वो 15 दिन का रहेगा, आप 15 दिन के गैप में इसको कर सकते हैं। भगवान भाई, ये जो हमने अभी तक बात की ये थी फर्टिलाइज़र के रूप में हमारे पास जो एप्लीकेशन बाज़ार में उपलब्ध है, हमने अभी तक जो भी वीडियो में बात की ये फर्टिलाइज़र के रूप में जो हमारे पास 13045 और 0050 थी, ये फर्टिलाइज़र के रूप में हमारे पास। भगवान भाइयों, आगे हम जो बात करेंगे वो है बायोपोटाश के बारे में। बायोपोटाश एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप किसी कारण 13045 या 0050 को नहीं कर सके तो आप बायोपोटाश को प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा रहेगी 250 ml 200 लीटर पानी में रहेगी। बायोपोटाश को हार्वेस्टिंग से 30 दिन पहले किया जाता है। यह कलर लाने में बहुत ही सहायक एक अच्छा
प्रोडक्ट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा रहेगी वो 200 लीटर पानी में 250 ml की रहेगी। यह आपके कलर लाने में बहुत ही अच्छे मदद करेगा। अगर आप किसी कारण से बायोपोटाश को भी नहीं कर सकते, हमारे पास जो तीसरा विकल्प के रूप में है वो है एमिफॉल के। एमिफॉल के एक बहुत जिसमें आपके जो जो पीछे लिखा है एमिफॉल के, उसका मतलब है पोटेशियम की मात्रा का ज़्यादा होना। इसमें आपके जो फ्रूट है वो उसके डेवलपमेंट में भी सहायक रहेगा और आपके कलर लाने में भी बहुत अच्छा योगदान रहता है इसका। और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा रहेगी वो रहेगी 500 ml 200 लीटर पानी में। बागवान भाई 200 लीटर पानी में 500 ml का घोल बनाकर इसका, भगवान भाई लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन रहता है वो रहता है इथरल का। इथरल का उपयोग भी बागवान भाई, कई बागवान भाई करते हैं। वो अपने हिसाब से कोई 200 ml 300 ml और 500 ml तक की स्प्रे भी करते हैं। इथरल के रूप में जो बाज़ार में बहुत सारे प्रोडक्ट है, कोई इथरल के नाम से, कोई प्रमोटर के नाम से और बहुत सारे नाम से यहाँ पे उपलब्ध है। अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग नाम से अपने प्रोडक्ट बाज़ार में उतारे हैं, जिसका उपयोग बागवान भाई कलर स्प्रे के लिए कर सकते हैं। इसका उपयोग बागवान भाई को अगर आपके इन सभी जो पहले हमने वीडियो में बात की, तब भी ना आपके फ्रूट में कलर की समस्या रहती है, तभी लास्ट में इथरल का प्रयोग किया जाता है। ये केमिकल प्रोडक्ट है जो आपके फ्रूट में कलर लाने का काम करता है। इसके लिए जो ह्यूमिड कंडीशन हो वो अच्छा होना चाहिए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए। और जो हमारे पास इथरल जो काम करेगा वो आपका कन्वर्टर का काम करता है, कलर को जैसे आपके कलर में जो बीच बीच में धारियाँ पड़ी होती है उसको फैलाने का काम करता है इथरल, और वो पूरे आपके फ्रूट में कलर ला लेता है। इसलिए इथरल का प्रयोग किसान भाई अभी तक भी करते आए हैं। इसके लिए अगर आपके बारिश अच्छी रहती है, आपको इसकी स्प्रे तभी करनी चाहिए जब आप पहले आप अपने गूगल पे सर्च कर ले कि भी बारिश का आने का समय कब है। उससे एक दिन पहले अगर आप इथरल का प्रयोग करते हैं और दूसरे दिन से बारिश होती है तो ये बहुत ही कलर लाने में सहायक रहता है। इसके लिए बारिश का होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो बागवान भाई को खुद स्प्रे के द्वारा पानी की स्प्रे करनी चाहिए जिसमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बागवान भाइयों आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, इथरल के उपयोग के बाद या तो बारिश का होना ज़रूरी है या तो आपको पानी की स्प्रे के रूप में छिड़काव करना ज़रूरी रहता है। इसलिए आप इथरल का उपयोग तभी करें जब आपका ह्यूमिड कंडीशन अच्छा हो और मिट्टी में नमी हो। भाइयों इस वीडियो में हमने जो बात की है, चाहे वो 13045 है, चाहे 0050 है, चाहे बायोपोटाश है, चाहे एमिफॉल के है, आप एक बात समझ लो, ये सभी में पोटेशियम की मात्रा, जिसे हम पोटाश कहते हैं, पोटाश की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसीलिए पोटाश ही कलर लाने में बहुत सहायक प्रोडक्ट है। और अगर आप एक दूसरे शब्दों में समझे, पोटाश का जो मेटाबॉलिज्म का काम करता है जिसके कारण कलर आने में ये सहायक होता है, छिड़काव कर सकते हैं। बागवान भाइयों ये हमने आज जो वीडियो में बात की वो की कलर स्प्रे के बारे में, क्योंकि हार्वेस्टिंग इस बारी लेट है, कम से कम 15-20 दिन लेट है। आप इन एप्लीकेशन को यूज़ करके अपनी फ्रूट की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको अच्छा प्राइस मार्केट में मिल सके और आप लोगों के साथ कंपटीशन कर सके, क्योंकि आपके फ्रूट की क्वालिटी ही आपके लिए अच्छा प्राइस तय करती है। भगवान भाइयों मैं 2019 अप्रैल से आपके साथ जुड़ा हूँ, हमने बहुत सारे पहलुओं पर बात की और अपने विचार आपके साथ साझा किए। अगर आप भी अपने विचार में साझा कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे कमेंट कर सकते हैं। बागवान भाइयों हमने सारी जो सेब की समस्या है उसके ऊपर सारी कवरेज की है, चाहे वो पिंक बर्ड से लेकर ग्रीन टिप से लेकर पेटल फॉल, फुल ब्लूम, वॉलनट स्टेज, पीनट स्टेज और स्कैब के बारे में सारे वीडियो हमने आपके लिए बनाए हुए हैं। आप अगर इनमें से किसी भी वीडियो को देखना चाहते हैं, हेल स्ट्रॉम के ऊपर भी हमारा वीडियो बना हुआ है, आप अगर कोई भी वीडियो हमारा देख सकते हैं, आप मेरे YouTube चैनल पे लॉगिन करके उनमें से किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने आपके साथ सारे अपने जो भी मेरे अनुभव है वो आपके साथ साझा किए हैं, और कुछ जो मैंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी मैं
मदद लेता रहता हूँ, और कुछ जो हमारे प्रोग्रेसिव ग्रोवर है उनसे भी उनके विचार को आपके साथ साझा करता रहता हूँ। बागवान भाइयों, अब हार्वेस्टिंग के लिए हमारे पास सिर्फ थोड़े ही दिन बचे हुए हैं। सारी अब एक आधी ही हमारे पास जो स्प्रे बची हुई है उसका वीडियो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगा। ज़्यादा ना समय लेते इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। एक बार मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे आगे आने वाले समय में वीडियो बनाने का आपके साथ अपने विचार